किसानों के आंदोलन का असर फतेहाबाद की सब्जी मंडी में साफ देखने को मिला। किसानों के इस आंदोलन के कारण मंडी में सब्जी की सप्लाई ना के बराबर हो रही है। शहर में सब्जियों की पूर्ति में कमी का असर अभी से ही दिखाई देने लगा है और अभी किसानों के आंदोलन का आज दूसरा ही दिन है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में व्यापारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के डर से कई लोग मंडी में अपनी सब्जियां लेकर नहीं आ रहे। वहीं किसान आंदोलन में की गई हिंसा को लेकर भी लोग डरे हुए हैं और सब्जियां मंडी में लाने से डर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था करे तो मंडी में सब्जी की सप्लाई बहाल हो सकती है। फिलहाल किसान आंदोलन के कारण मंडी में कारोबार ना के बराबर है। किसानों के आंदोलन का अभी दूसरा ही दिन है और मंडी में हालात खराब नजर आने लगे हैं। मार्केट में सब्जी की कमी को लेकर आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और अभी किसानों का ये आंदोलन 10 जून तक चलेगा। अब तक क्या हालात होंगे कहना मुश्किल है। मंडी में असर है, जो जिमीदार माल रास्ते लेके आते हैं उनको रास्ते में रोक, जो खरीदार है उनकी गाड़ियां रास्ते में, जैसे सहारनपुर गड्डी रुकी गई उसका 50,000 लीटर का माल होगा वो रुके, उसने यहाँ फोन करे तो बाकी माल ले नहीं रहे लोग, इस करके तो मंडी में असर है। माल खरीदार का भी जिमीदार के पैसे नहीं बढ़े, तो खरीदार नहीं आ रहे। बात खैर है, प्रशासन इसमें सख्ताई बरतेगा तो मंडी में माल आएगा भी, फिर तो दिख सकता है। यदि प्रशासन सख्ताई ना करेगा, शरारती तत्वों को रोकेगा ना, तो फिर तो मंडी में असर रहेगा। ये मतलब खरीदार ना आएगा तो जिमीदार का माल उड़ेगा, यदि जिमीदार के रास्ते में सब्जी खंडाएगा तो जिमीदार का नुकसान होगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।